तो दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के शुरुआती 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे पिछले हफ्ते अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर रिलीज हुई सोशल ड्रामा फिल्म यानी कि जय भीम के अभी तक के टोटल व्यूज काउंट के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म सूर्यवंशी के शुरुआती 6 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्यवंशी जो कि एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार और उनके साथ देखने को मिल रही है कैटरीना कैफ। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म में हमें अजय देवगन और रणवीर सिंह का भी कैमियो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्यवंशी फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 48 के स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के शुरुआती 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्यवंशी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफी धमाकेदार ओपनिंग ली और इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही लगभग 26 करोड़ 29 लाख रुपए का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि अब जहां इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 6 दिन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्यवंशी फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में ही ऑल इंडिया टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है लगभग 102 करोड़ 81 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 5 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है लगभग 122 करोड़ 39 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज से कमाए हैं लगभग 31 करोड़ 39 लाख रुपए। तो दोस्तों इसी के साथ यहां पर सूर्यवंशी फिल्म का शुरुआती 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 153 करोड़ 78 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म के 6 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्यवंशी फिल्म अपने 6 दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया होल्ड बनाए हुए है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म को आज ओवरऑल देखने को मिली है उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म अपने 6 दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए की रेंज में कर रही है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने 6 दिन टोटल नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 10 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों बात करें अब अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर रिलीज हुई सोशल ड्रामा फिल्म यानी कि जय भीम के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जय भीम जो कि एक सोशल ड्रामा फिल्म है जो कि इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं तमिल सुपरस्टार सूर्य शिवकुमार और प्रकाश राज। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जय भीम फिल्म को 2 नवंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर हिंदी तमिल तेलुगु में एक साथ रिलीज किया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि जहां भी फिल्म को रिलीज हुए लगभग 9 दिन पूरी तरह से कंप्लीट होने को आए हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जय भीम फिल्म को शुरुआती 8 दिनों में ही अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर काफी तगड़े पेड व्यूज मिले हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को शुरुआती 8 दिनों में ही टोटल पेड व्यूज मिल चुके थे लगभग 16.3 मिलियन। जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को शुरुआती 8 दिनों में अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर 16.3 मिलियन पेड व्यूज मिल चुके थे। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोग अब ये सोचोगे कि 16.3 मिलियन तो काफी कम नंबर है और इतने व्यूज तो किसी भी यूट्यूब पर मूवीज को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यूट्यूब की बात अलग है और इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर इतने पेड व्यूज मिले हैं जो कि इससे पहले किसी भी साउथ इंडियन फिल्म को देखने को नहीं मिले थे। और दोस्तों इसी के साथ यहां पर जय भीम फिल्म ने अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जय भीम फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हो चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें सूर्यवंशी फिल्म की, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्यवंशी फिल्म का जिस तरह इसका अभी तक का कलेक्शन रहा है उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि सूर्यवंशी फिल्म आने वाले 4 या 5 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हो जाएगी। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।